हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं नवदीप सिंह, यूट्यूब चैनल अन यूनिवर्स स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं। आप मेरे को इंडिया के लार्जेस्ट एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। ये लिंक आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, या फिर अन अकेडमी लर्निंग ऐप को आप डाउनलोड कर वहाँ पर नवदीप सिंह को टाइप कर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर एक नया कोर्स शुरू किया गया है, हरियाणा जी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर से लिए गए हैं। तो शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण टॉपिक, हरियाणा राज्य की पशु वाटिका या चिड़ियाघर। हरियाणा राज्य में 3 चिड़ियाघर स्थापित किए गए हैं, लघु चिड़ियाघर या छोटा चिड़ियाघर भिवानी, रोहतक चिड़ियाघर, छोटा चिड़ियाघर पीपली। छोटा चिड़ियाघर पीपली, जो छोटा चिड़ियाघर भिवानी है, इसकी स्थापना 1982-83 में हुई थी और यह 7 एकड़ में विस्तृत है। और इस चिड़ियाघर में पक्षी दर्भों की आधारशिला 16 अगस्त 1982 को रखी गई, हिरण पार्क की आधारशिला 3 अक्टूबर 1982 को रखी गई, बालू के भाड़े की आधारशिला 7 सितंबर 1983 को रखी गई, और 7वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान वर्ष 1987 में इस चिड़ियाघर में घोड़ा और मगरमच्छ बाड़े की आधारशिला रखी गई, या कह सकते हैं कि उनको जोड़ा गया। भिवानी चिड़ियाघर में रखे गए पशुओं में मगरमच्छ, काले भालू, घड़ियाल, लोमड़ी, हिरण, सांभर, दरियाई घोड़ा, लाल जंगली मुर्गे, तेंदुआ, चांदी तित्र, कोकलेट, बार्न उल्लू, बाघ आदि प्रमुख हैं। अगर मैं बात करूं रोहतक चिड़ियाघर की, तो रोहतक चिड़ियाघर की जो स्थापना है 1985-86 में हुई थी और यह 44 एकड़ इसका क्षेत्रफल है, कह सकते हैं 44 एकड़ में यह विस्तृत है। 28 मार्च 2005 को केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने इस चिड़ियाघर के लेआउट को स्वीकृति प्रदान की थी और इस चिड़ियाघर में घड़ियाल, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिमालयी काला बालू, तेंदुआ, बाघ, लोमड़ी, भेड़िया, सियार, उदबिलाव, लकड़बग्गा, बार्किंग हिरण, चिंकारा, काला हिरण, सांभर, लंगूर, सुअर, पूंछ वाला बंदर, अफ्रीकी लंगूर, बड़े बंदरों तथा बड़ी मात्रा में देसी और विदेशी पक्षियों के रहने के लिए इसमें आवास बनाए गए हैं। उसके बाद है छोटा चिड़ियाघर पीपली। यह 1982-83 में इसकी स्थापना की गई थी, या कह सकते हैं 1982-83 इसका स्थापना वर्ष था, और यह कुरुक्षेत्र जिले के अंतर्गत आता है, 27 एकड़ में विस्तृत है। जीटी रोड पर पीपली बस स्टैंड के पास यह स्थित है और इस चिड़ियाघर में एशियाई शेर, बार्किंग हिरण, दरियाई घोड़ा, मगरमच्छ, हनुमान लंगूर, काला हिरण, सियार, मोर, सांबर, लकड़बग्गा, भारतीय तेंदुआ, चीतल ये आदि इसमें रहते हैं। तो ये कुछ हमने बात की कि हरियाणा राज्य की जो पशु वाटिकाएँ हैं वो कौन कौन सी हैं, कब उनको स्थापित किया गया। इसके अतिरिक्त 4 प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में कि हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है, काला तीतर है, हरियाणा का राजकीय पशु कौन सा है, काला हिरण है, और काला तीतर को हम ब्लैक फ्रेंकोलिन कहते हैं, काले हिरण को हम ब्लैक बक कहते हैं, और हरियाणा का राजकीय वृक्ष पीपल है, हरियाणा का राजकीय फूल या पुष्प कमल है। इसके अतिरिक्त हरियाणा का जो राजकीय खेल है वो कुश्ती है। तो यहाँ से भी प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में बात की हरियाणा राज्य की पशु वाटिका या चिड़ियाघर के बारे में, जो आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और एन यूनिवर्स स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।